तुम गाइस आईटीएल पर वीडियो में ओप्पो का A15s, इसमें जो है हैंग टच की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे मैं बता देता हूँ। बहुत ईजी है, सेम तरह से प्रोसेस करेंगे तो आपकी ये हैंग टच की प्रॉब्लम जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो मैं बता देता हूँ, अभी ये देखो मैं टच चलाऊँगा तो ये कुछ सेलेक्ट नहीं कर रहा, ये ऐसे ऐसे हो रहा है। तो ये ऑप्शन आ रहा है आपका, यहाँ पे देखो ये बटन का आ रहा है 3 सेकंड, तो इसको भी बटन को हम प्रेस करेंगे तो ये कुछ देर के लिए बंद होगा, फिर अपने आप जो है ये चालू हो जाएगा। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, आपको प्रॉपर जाके जो है सेटिंग से करना पड़ेगा। आप इसमें ये देखें, ये ओप्पो का A15 सेम सेट होगा आपका भी, तो इसमें 2 फिंगर से आप यूज़ करेंगे तो आपकी जो है ये टच चलने लगेगी। ये देखें, सिंगल फिंगर से काम नहीं करेगा, 2 फिंगर से काम करने लगेगा। तो हम फ़ोन की सेटिंग में जाते हैं, सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इस पर डबल टैप करते हैं, ये ऑप्शन खुल जाएगा। सिंगल फिंगर से काम नहीं करेगा तो हमें 2 फिंगर का ही यूज़ करना है। अगर आप 2 फिंगर यूज़ नहीं करेंगे तो ये हैंग करेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो 2 फिंगर से करें, ये आपका हो जाएगा। आपको एडिशनल सेटिंग में जाना है, तो ये आ गए हम, एडिशनल सेटिंग को सिलेक्ट कर दिया, डबल प्रेस कर देंगे, ये ऑप्शन आ जाएगा आपका, ठीक है। अब फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर ये देखना एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन आएगा आपके इसी में नीचे, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे हम, फिर इसको हम डबल टैप करेंगे तो ये हो गया। ये देखें, यहाँ पे हमारा एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट ऑफ है, एक्सेसिबिलिटी मेन्यू ऑफ है, सिलेक्ट टू स्पीक ऑफ है, टॉल बैक जो है ये हमारा ऑन हो गया, गलती से हो जाता है ऑन हो गया हो, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, डबल प्रेस करेंगे तो ये ऊपर ही ऑप्शन आ जाएगा, तो इसको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद डबल प्रेस करेंगे, ये स्टॉप का ऑप्शन आ जाएगा आपका। ये हमारा जो है प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई, अब ये टच प्रॉपर चल रही है, ठीक है गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आईटीएल पर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।